हेलो माय लिटिल वंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो होली स्पेशल में आज हम लोग बनाने वाले हैं होली के कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक A4 साइज़ का पेपर और उसको दो राउंड में फोल्ड कर दिया है। और फिर उसके बीच में मैंने बना लिया एक सर्कल, और सर्कल के को कर लेना है कट, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बच्चों से नहीं हो पाता है तो पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अब जो हमने सर्कल बनाया था ना, उस सर्कल के आसपास हमको रैंडमली स्टेप की डिज़ाइन बनानी है, जैसे हम कैसे भी बनाते हैं, जब हम कुछ कलर फेंकते हैं तो उसका जैसे उछलता है ना, उस टाइप से। तो ये डिज़ाइन बना लेनी है। और नीचे मैंने यहाँ पर दो बाउल बना लिए हैं। अब सबसे पहले जो मैंने डिज़ाइन बनाई है उसमें मैं बहुत डिफरेंट टाइप के कलर्स करूँगी। कलर्स के लिए यहाँ पर मैंने डोम्स का जो स्केच पेन है आप यूज़ किया है, क्रेयॉन्स, पेंसिल, कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वो जो नीचे वाला पेपर उसको हटा दिया था, बिकॉज ऑफ वो जो हम कलर कर रहे थे वो इसमें लग रहा था। अब यहाँ पर मैंने सारे कलर्स जितने मुझे जैसे लग रहे थे वैसे मैंने इसमें अप्लाई कर दिए। बड़े कलरफुल सा ये बन गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो नीचे मैंने बाउल्स बनाई थी ना, उस बाउल्स को कल पहले मैंने ब्राउन कलर से कलर कर दिया, और उसके बाद उसको उसमें मैंने दूसरा कुछ कलर लगाया जो जैसा लगे कि कटोरी में गुलाल रखा हुआ है इस तरीके का। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी मैंने आउटलाइन करी, तो ब्लैक कलर के स्केच कलर का यूज़ किया है वहाँ पर आउटलाइन करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये रिक्रिएट करके मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जो मैंने कलर किया था सर्कल के आसपास उसको मैं आउटलाइन कर दे रही हूँ ब्लैक कलर से। तो ये थोड़ा सा और उठ के आ रहा है। पेपर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बीच वाले जो अंदर वाले पार्ट है वहाँ पर मैंने हैप्पी होली लिख दिया है, और थोड़ा ग्रीटिंग खाली खाली से लग रहा था तो फिर से मैंने इस कलर के थोड़ी डिज़ाइन, जैसे रैंडमली हम गुलाल फेंकते हैं तो कैसे डिज़ाइन बनती है, उस तरीके की डिज़ाइन मैंने वहाँ पर बना दी है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, इजी सा और जल्दी से बनने वाला जो है ग्रीटिंग कार्ड बनकर तैयार हो चुका है। तो ये ज़रूर बनाइएगा और इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब सेकेंड वाला जो मैं ग्रीटिंग कार्ड बना रही हूँ, बड़ा सिंपल है, बच्चे तो बहुत आसानी से बना लेंगे उसको, एक बार ही देखते हैं। इसके लिए मैंने जो शीट होती है ना 10x10 की, पूरा पैकेट आता है वो वाली शीट का यूज़ किया है। वहाँ पर फिर से मैंने ऐसे रैंडमली डिज़ाइन जो पेंट वाली होती है वो बनाई है, और यहाँ पर मैंने एक बकेट और पिचकारी बना दी है, बड़ा सुंदर सा। अब ये बनाने के बाद इसको मैं कलर करूँगी, और कलर करने के बाद हैप्पी होली का कोटेशन लिखूँगी। बहुत सुंदर इजी सा ग्रीटिंग कार्ड बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो सीरीज़ है हैप्पी समर की सीरीज़, ये पूरे 30 डेज चलने वाली है। अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम इसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो अभी तो होली वाला बना है। Day 1 में हमने कैलेंडर बनाया था, Day 2 में हमने टू टाइप पिचकारी बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। आज Day 3 है, और Day 3 में हम बनाने वाले हैं होली के ग्रीटिंग कार्ड। आज जो ग्रीटिंग कार्ड है वो थोड़े से सिंपल वाले बन रहे हैं, जो अंडर 10 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए। उसके बाद जो हम कल ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, मतलब 10 to 15 ईयर वाले बच्चे ईजीली इसको बना सकते हैं। तो देखिए, हमारा सेकेंड वाला सिंपल, ईजी और ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड बनकर रेडी हो चुका है। इसको भी मैंने आउटलाइन करके इसके लुक को कम्प्लीट किया है। तो आउटलाइन होने के बाद ये जो है बहुत ही खुल के आ रहा है। वाइट पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन क्या होली का फेस्टिवल था तो मैंने वाइट के जगह सारा मतलब कलरफुल पेपर्स का यूज़ किया। थोड़ी सी एकदम सिंपल सी बॉर्डर बना के इसको कंप्लीट किया है। थर्ड में बहुत सिंपल और बहुत इजी वाला ग्रीटिंग कार्ड बना रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी से बन जाने वाला है। यहाँ पर मैंने बस ऐसे ही रैंडमली डिज़ाइन बनाई गुलाल की, और दो पिचकारी बना दी है। इसके बाद नीचे प्लेट में गुलाल रखा है उस टाइप के डिज़ाइन, और बस बनकर रेडी हो गए। इसको कलरिंग करेंगे। तो
ये मेरे आज के हैप्पी समर सीरीज के डे 3rd के होली स्पेशल के कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स थे जो कि मैंने आज बनाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स में जिनके छोटे बच्चे हों उनके साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। और हाँ, अगर आप ये रिक्रिएट करते हो तो ज़रूर से ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करके बताइएगा, मैं आपके स्टोरी लगाऊंगी और बिल्कुल बनाइएगा। तो ये देखिए, ये भी 3rd नंबर वाली जो हमारा जो ग्रीटिंग वाला कार्ड था वो बनकर भी रेडी होने वाला है। बस आपको बेस अच्छे से बनाना है, कलरिंग करना है। होली स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड तो बहुत ईजीली बन जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने वही किया है। ये बहुत अच्छे से जल्दी से बनकर रेडी हो गया है, तो बच्चे तो बहुत आसानी से बना ही लेंगे इसको। तो बिल्कुल बनाइए, शेयर कीजिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, मेरी सीरीज में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही बहुत सारे नए नए वीडियोज़ मैं रोज आपके लिए लेकर आऊँगी।